हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है। हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। बहुत दुखी होकर आए हो भक्तराज। प्रभु, दुख तो मुझे उस अभागे पर आता है जो आपकी दया के सागर के तट पर पहुंचकर भी उसकी एक बूंद से भी वंचित रह गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं प्रभु। तुमने सत्य ही कहा है देवर्षि। जब किसी मनुष्य को इस प्रकार अपने भाग्य बदलने का अवसर दिया जाए परंतु वो अपने अहंकार के कारण उसकी अवहेलना कर दे तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तुम उसके लिए दुख मत करो, ये महामाया का खेल है, उन्हें खेलने दो, जो हो रहा है होने दो। सचमुच आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। देखिए ना, जिस रहस्य को जानने के लिए वो बरसों से तड़प रहा था कि आकाशवाणी द्वारा बताया हुआ उसका असली शत्रु किस बालक के रूप में जन्मा है, जब वही रहस्य हमने खोल दिया, जब स्वयं हमने ही उसे सत्य बता दिया कि वो वही है जिसका नाम कृष्ण है, तो आपकी माया ने उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी कि वो हमें ही झूठा कहने लगा। उसे लगा कि हम उसे भरमा कर किसी नकली भगवान के पीछे लगा रहे हैं। वाह महामाया वाह। नारद का प्रणाम स्वीकार करें।